नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दुनिया आज तक में हम आपको दिखाएंगे दुनिया की ताजा तरीन खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में कोरोना के 650 से ज्यादा नए मामले सामने आए। विक्टोरिया में कोरोना को आपदा घोषित कर दिया गया है, साथ ही रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू भी लगाया गया है। चीन में भी कोरोना के नए मामलों का मिलना जारी है। बीते 24 घंटों में 49 नए मामले सामने आए, जिसमें से 30 मामले शिनजियांग में पाए गए हैं। शिनजियांग में मास टेस्टिंग की जा रही है। इसी बीच दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,81,00,000 को पार कर गई है। वहीं 6,90,000 के करीब लोगों की इससे मौत हो गई। बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा नए संक्रमित अमेरिका, भारत और ब्राजील में मिले। एक तरफ जहां दक्षिण अमेरिका में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वहीं यूरोप में भी कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटों में दक्षिण अमेरिका में 71,000 नए संक्रमित पाए गए, वहीं यूरोप में भी नए संक्रमितों की संख्या 13,000 पार कर गई है। करीब 4 महीने बाद स्पेन में पर्यटन खुलने के बाद भी बढ़ते कोरोना के मामलों की वजह से यहां पर्यटन को नुकसान हो रहा है। स्पेन में 1,800 से ज्यादा नए संक्रमित मिले, जिसमें से 70% कैटालोनिया क्षेत्र से हैं। अमेरिका के ओक्लाहोमा स्थित एक जेल की 12वीं मंजिल से 2 कैदी फरार हो गए। दोनों कैदियों ने चादर के इस्तेमाल से लंबी रस्सी बनाई और 12वीं फ्लोर पर स्थित अपने लॉकअप की खिड़की से भाग निकले। हालांकि इनमें से एक कैदी को पकड़ लिया गया है। अमेरिका की कैलिफोर्निया स्थित जंगल भीषण आग की चपेट में है। जंगल से सटे रिहायशी इलाकों से 2,500 घरों को खाली करा लिया गया है, जिसके बाद 7,800 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। फ्रेंडशिप डे के मौके पर भारत स्थित इसराइल की एम्बेसी ने कुछ अलग अंदाज में भारत को फ्रेंडशिप डे विश किया। एम्बेसी के ट्विटर अकाउंट पर भारत के झंडे के साथ हिंदी गाने की लाइन लिखी गई थी, साथ ही भारत के साथ रिश्तों पर एक वीडियो भी शेयर की गई। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने फुटबॉल एसोसिएशन कप के फाइनल मैच के दौरान लॉन में मैच स्क्रीनिंग का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने मेडिकल फ्रंटलाइन वर्कर्स को आमंत्रित किया। ये मैच आर्सेनल और चेल्सी के बीच खेला जा रहा था। प्रिंस विलियम खुद फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। और स्विट्जरलैंड में नेशनल डे के मौके पर स्विस एल्पस माउंटेन रेंज के एक हिस्से को अद्भुत रोशनी से गुलजार किया गया। 12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को रोशनी से जगमगाया गया, जिसको 20 किलोमीटर की दूरी से ही देखा जा सकता था। साल 1291 में स्विट्जरलैंड की स्थापना की गई थी। कोरोना महामारी के सामने एक तरह से सरेंडर करते हुए ब्राजील के राष्ट्रपति बोलसोनारो ने चौंकाने वाला बयान दिया है। बोलसोनारो का कहना है कि हर शख्स कभी ना कभी इस महामारी की चपेट में आएगा, इसीलिए लोगों को महामारी से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। ब्राजील के राष्ट्रपति पिछले महीने ही कोरोना को मात दे चुके हैं और उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। जोरदार विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें इसराइल के यरूशलम शहर की हैं। कोरोना महामारी के दौर में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग भी लगातार जोर पकड़ती जा रही है और लोग सड़कों पर हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के आवास के सामने हजारों प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और पीएम का इस्तीफा मांगा। तस्वीरों से प्रदर्शनकारियों के गुस्से का अंदाजा लगाया जा सकता है। हजारों लोग पिछले कई हफ्तों से हर रविवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप लगाया और तुरंत इस्तीफे की मांग की। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर रिश्वत और धोखाधड़ी समेत भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप हैं। फिलहाल पीएम नेतन्याहू के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दूसरी तरफ नेतन्याहू ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है। पीएम नेतन्याहू ने सभी आरोपों को झूठा करार दिया है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि जोड़ तोड़ कर सत्ता में आए पीएम नेतन्याहू के लिए ये प्रदर्शन गले की हड्डी साबित हो सकते हैं। द टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक हाल ही में सरकार विरोधी प्रदर्शनों की शुरुआत के बाद से ये सबसे बड़ा प्रदर्शन है। आज तक ब्यूरो। स्विट्जरलैंड के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने अपने 2 प्रशंसकों को सरप्राइज देते हुए उनसे मुलाकात की और उनके साथ छत पर टेनिस भी खेला। अपने बीच टेनिस स्टार को पाकर दोनों लड़कियां काफी खुश नजर आई। फेडरर के इस कदम की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं।
सपने देखता तो हर कोई है, लेकिन वो लोग खुशकिस्मत होते हैं जिनके सपने पूरे हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं इटली की दो लड़कियों कैरोला और विटोरिया की, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर सनसनी बनी हुई है। दिग्गज टेनिस स्टार रॉजर फेडरर ने अपनी फैंस को सरप्राइज देकर ऐसे ही उनका सपना पूरा किया। दरअसल छत पर टेनिस खेलकर इंटरनेट पर सनसनी बनी दो लड़कियों से रॉजर फेडरर अचानक मिलने पहुंच गए। अपने बीच टेनिस स्टार को पाकर दोनों लड़कियां काफी खुश नजर आई। कैरोला और विटोरिया मीडिया से बात कर ही रही थी कि तभी धीरे से एक शख्स की एंट्री हो गई। ये कोई और नहीं बल्कि टेनिस स्टार रॉजर फेडरर थे। फेडरर ने न सिर्फ दोनों लड़कियों के साथ सेल्फी ली बल्कि रूफ टॉप पर टेनिस भी खेला। वीडियो उस वक्त चर्चा में आई जब कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया घरों में कैद रहने को मजबूर हो गई थी। फेडरर ने मुलाकात के दौरान दोनों लड़कियों के साथ उसी तरह से टेनिस खेला जैसे वो लड़कियां आपस में टेनिस खेलती थी। टेनिस खेलने के बाद फेडरर दोनों लड़कियों के साथ लंच भी करते हुए नजर आ रहे हैं। Was great and I've played in many cool places. वीडियो में लड़कियों के साथ छत पर टेनिस खेलने के बाद फेडरर ने कहा कि उन्होंने दुनिया में हर जगह टेनिस खेला है, लेकिन इन लड़कियों के साथ छत पर इस तरह से टेनिस खेलना अपने आप में अलग अनुभव था। बता दें 38 साल के फेडरर ने दोनों लड़कियों को ट्रेनिंग के लिए राफेल नडाल अकेडमी में शामिल कराने का ऑफर भी दिया। यही वजह है कि फेडरर सिर्फ कोर्ट पर ही नहीं कोर्ट के बाहर भी चैंपियन है। ब्यूरो रिपोर्ट आकाशवाणी। Enjoy it. Ciao. इसी के साथ दुनिया आज तक में बस इतना ही, लेकिन हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।